अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम तरुण फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल आपुर बदायूं। टुडे इन दिस वीडियो लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न ऑफ अप्लाइड फिजिक्स सेकंड फॉर द सेकंड सेमेस्टर डिप्लोमा स्टूडेंट ऑफ यूपीबीटी उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। मिस क्वेश्चन पेपर की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है, मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो किस टाइप का होगा, इन सब पॉइंट को हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो जो टाइम है वो ढाई घंटे का होगा, मिलेगा बच्चों को। जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 50 होंगे, 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर आएगा। कितने क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा वो आपको समझना है। तो क्वेश्चन पेपर में 5 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मार्क्स का वो 10-10 होगा। तो 5 क्वेश्चन है और 10-10 मार्क्स के हैं, तो टोटल जो मार्क्स होंगे वो 50 होंगे। बट एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन सब सेक्शन हो सकते हैं, तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो क्वेश्चन 1 है उसमें कितने क्वेश्चन आपको करने होंगे, क्या छूट मिलेगी, क्या ऑप्शन में कोई क्वेश्चन होगा, या क्वेश्चन नंबर 2 में कितने क्वेश्चन है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। तो अगर क्वेश्चन 1 की बात करते हैं तो क्वेश्चन 1 में आपको अटेम्प्ट एनी 10 पार्ट्स मीन्स जो क्वेश्चन होंगे वो 12 गिवन होंगे और 12 में से आपको 10 करने हैं और हर क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा वो 1 होगा, तो 10 × 1 = 10 आएगा। क्वेश्चन 2 की बात करते हैं तो क्वेश्चन 2 में आपको अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स है, तो 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जबकि क्वेश्चन 7 गिवन होंगे और जो क्वेश्चन का जो टाइप है वो शॉर्ट आंसर्स हो सकते हैं, सिंपल डेफिनेशन हो सकती है, बहुत छोटा न्यूमेरिकल हो सकता है। तो जो मार्क्स होंगे वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आपको करने होंगे, इस टाइप से उनका आंसर लिखना है कि आपको 2 मार्क्स मिले। क्वेश्चन 3 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन 3 में आपको अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स मीन्स 3 क्वेश्चन दिए होंगे और 3 में से आपको 2 करने हैं, तो एक ये समझ लीजिए आपको ऑप्शन में रहेगा, आप एक क्वेश्चन को जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको ईजी लगता है आप वो 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, जो आपको टफ लगता है आप उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पर हर क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 5 होंगे, तो 5 × 2 = 10 होगा। अगर क्वेश्चन 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन 4 में अटेम्प्ट एनी 2 है, तो 3 क्वेश्चन में से आपको 2 करने होंगे और जो दोनों क्वेश्चन होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे, तो जो टाइप होगा वो लॉन्ग आंसर, जो डेरिवेशन हो सकते हैं, कोई बड़ा न्यूमेरिकल हो सकता है, इस टाइप के आंसर यहाँ पर आपको यूज करने हैं। तो क्वेश्चन 5 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन 5 में भी आपको अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स मीन्स आपको 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, जबकि जो क्वेश्चन दिए होंगे वो 3 हैं, 3 क्वेश्चन में से आपको 2 करने हैं और जो क्वेश्चन का जो टाइप होगा, जो आंसर आपको लिखने हैं वो लॉन्ग आंसर होंगे, बड़े आंसर आपको लिखने होंगे, डेरिवेशन आपको करना होगा या बड़ा न्यूमेरिकल हो सकता है, जो न्यूमेरिकल्स होगा जो डेरिवेशन होंगे वो 5-5 नंबर के होंगे। तो इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूशन था। अब आप ये समरी समझ सकते हैं कि कितने टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये भी समझना जरूरी है। जो पहला है उसमें 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने एक एक नंबर के होंगे, जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें आपको 5 अटेम्प्ट करने होंगे 2-2 नंबर के होंगे, तीसरे क्वेश्चन में आपको 3 में से 2 करने होते हैं और 5-5 नंबर के होंगे, ऐसे क्वेश्चन 4 में भी आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं और क्वेश्चन 5 में भी आपको 2 क्वेश्चन, तो टोटल जो क्वेश्चन करने हैं आपको एग्जाम में जो सॉल्व करने हैं वो 21 क्वेश्चन होते हैं, बड़े और छोटे सब मिक्स करने के बाद। जो मार्क्स हैं वो 50 होंगे, तो मीन्स एक क्वेश्चन के अंदर सब सेक्शन हो सकते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 21 क्वेश्चन आपको टोटल अटेम्प्ट करने हैं अगर आप फुल मार्क्स चाहते हैं एग्जाम में, और 21 में कुछ शॉर्ट आंसर होंगे, कुछ लॉन्ग होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। ये एक सैंपल पेपर है 2019 का, ये एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस टाइप के हैं, तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो 1 है इसमें आई से 1 से लेकर 12 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपको 10 क्वेश्चन करने एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं। ऐसे क्वेश्चन 2 की बात करते हैं तो ए से लेकर जी तक है 7 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको 5 करने होंगे। सेम क्वेश्चन 3 आप देखिएगा, ए बी और सी 3 क्वेश्चन है और अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट लिखा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन 4 की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 3 ए और बी और सी, एक न्यूमेरिकल है, 2 डेरिवेशन है, इन तीनों में से आपको कोई 2 करने होंगे और दोनों क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं अटेम्प्ट एनी 2, तो सेम है क्वेश्चन जो 5 है ये भी लॉन्ग टाइप का ही होगा, 3 में से आपको कोई 2 पार्ट करने हैं। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन का जो पैटर्न है ये बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है कि कितने क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और कैसे कैसे कितने कितने मार्क्स के वो होते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।
इससे जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है उसको डिस्कस करेंगे। तो आप नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो वो भी आपको नोटिफिकेशन से मिल जाएगी। तो इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।